guys, welcome back to my channel, The Foodie Yatra. My name is Ritik Kasangutor and I create food related and travel related vlogs on my channel. और आपका भाई वापस एक amazing चंद्रपुर food series का episode लेकर आया. हम है तनिष कैफे. तनिष कैफे exact गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के अपोजिट में. यहाँ मैक्सिमम इंजीनियरिंग के लोग आते हैं ट्राई करने स्नैक्स, डेजर्ट्स, उसके बाद मेन कोर्स, लंच, डिनर, बहुत कुछ यहाँ पर वेराइटीज़ ऑफ फूड मिलेगा. बट हम स्पेसिफिकली अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो हम डेफिनेटली ब्रेकफास्ट ट्राई कर रहे हैं और वो भी साउथ इंडियन ट्राई करेंगे. और हमारे साथ एक स्पेशल पर्सन है, उनसे आपको ज़रूर मिलाऊंगा बट कुछ सेकेंड्स में. तब तक आप यहाँ की लोकेशन के शॉट इन्जॉय करो. तो गाइस, मैंने आपको जो स्पेशल सरप्राइज के बारे में बोला था वो है कल्पक भाई. कल्पक भाई भी एक अच्छा खासा तगड़ा यूट्यूब चैनल चलाते हैं. उसमें वो खाने के वीडियो, लाइफस्टाइल के वीडियो, घूमने के वीडियो, सारे वीडियो बनाते हैं, बहुत तगड़े बनाते हैं. और वो भी चंद्रपुर से है. वो पुणे में पढ़ाई कर रहे हैं बट चंद्रपुर में अवेलेबल थे, तो बोला चलो भाई के साथ एक वीडियो बना लेते. सो छोटा मोटा आज अपन कोलैबोरेटेड वाला वीडियो कर रहे हैं. और आज कल्पक भाई भी बताएंगे कैसा है टेस्ट खाने का, मैं भी बता रहा हूँ कैसा है टेस्ट, क्योंकि ऐसा ना होना बरोबर कल्पक भाई की अकेले का पर्सनल रिव्यू जाए. हाँ बिल्कुल सही, एकदम सही है. और कैसा है भाई को सपोर्ट करो भी थोड़ा, हम हमारे सपोर्ट करो. तो एकदम फाड़ू आज वीडियो बनने वाला है, तो लेट्स चेक आउट कैसा बनता है आज का. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई की लिंक मिल जाएगी, जरूर जाके एक बार भाई का वीडियो चेकआउट करो. और जो भाई का फर्स्ट वीडियो था ना वो एक बार जरूर चेकआउट करो यार. मैं भाई का फैन हो गया था जब फर्स्ट मैंने भाई का फर्स्ट वीडियो देखा था. चलो चलते हैं आगे. सो गाइस, आई एम विद द ओनर ऑफ दिस तनिष कैफे. सो भैया, कितने पुरानी आउटलेट है ये? करीब करीब 6 से 7 साल पुरानी आउटलेट है. इसके पहले मेरा वाइन बार था. वाइन बार क्लोज होने के बाद ये हम लोगों ने अभी रिसेंटली 6 से 7 साल पहले ओपन किया है. और इसका टाइमिंग क्या है भैया? टाइमिंग मॉर्निंग 8 से रात में 12 बजे तक ओपन रहेगा. अभी लेकिन कोविड के वजह से रात में 10 बजे क्लोज करना पड़ रहा है. और वेज और नॉन वेज बोथ अपने पास? बोथ मिलेगा, बोथ मिलेगा आपको, दोनों मिलेंगे. दोनों में स्पेशलिटीज मिल जाएगी आपको. चाइनीज में भी स्पेशलिटीज मिल जाएगी आपको. मॉर्निंग में अगर आप आ रहे हो ब्रेकफास्ट करने के लिए, स्पेशली मेरे पास आप साउथ इंडियन खा सकते हो. और शाम के टाइम में मेन कोर्स में आप डिनर में वेज और नॉन वेज दोनों ले सकते हो. और शाम में डिनर में सबसे ज़्यादा क्या वेज बहुत तगड़ा मिलेगा, क्या मिलेगा? वेज आप बहुत अच्छी तरीके से वेज मिलेगा, नॉन वेज भी मिलेगा. नॉन वेज में भी बहुत सारी स्पेशलिटीज है, लेकिन वेज के बहुत सारे फैंस हैं, तो वेज में मैं कहूँगा कि आप जरूर आके ट्राई करिए. चलेगा, थैंक यू सो मच. बिल्कुल. हम तोड़ गए जब तुम जगे, तब से तुम नजर पहले हाथ सैनिटाइज करवा रहा हूँ कल्पक भाई के. मेरे अच्छे से मैंने पहले से कर लिए थे, फिर से एक बार थोड़ा हाथ सैनिटाइज कर रहा हूँ. आपसे पहले ही माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि हम रूफटॉप पे बैठे और गाड़ियों का बहुत शोर आ रहा होगा. क्योंकि ऋषभ भाई थोड़ा सा वो साइड दिखा दीजिए ना, क्योंकि एकदम हाईवे और एकदम ऐसा नेचर वाला व्यू और एकदम ऐसा हाईवे वाला व्यू बहुत तगड़ा लगता है खाते वक्त. कभी चलेगा, शुरुआत करते. सो कल्पक भाई, आप क्या ट्राई कर रहे हो? वड़ा ट्राई कर रहे हो? ट्राई कर रहे हैं. मैं इडली ट्राई कर रहा हूँ, देखते. मतलब बहुत प्यारे वड़ा से, वड़ा अच्छा क्रिस्ट है. मतलब तोड़ते वक्त ही मुझे समझ में आ रहा है कि भाई अच्छा हो शायद. इडली सॉफ्ट है, लोड नहीं है. कभी कभी क्या होता है पता है क्या, इडली ऐसा कड़क ऐसे क्रिकेट बॉल समान मिलती है. ऐसा कोई दिक्कत वाला काम नहीं. और चटनी तो बहुत सही है, इतना बैलेंस टेस्ट है ना. मतलब वड़ा भी एकदम मस्त क्रिस्पी है और चटनी भी एकदम बैलेंस टेस्ट है और सांभर तो है ही अच्छा. मतलब इन शॉर्ट वड़ा बेस्ट. चटनी में आई थिंक सो इन्होंने वो डाला है, पुदीना डाला है. ट्राई करो, कोकोनट तो है. कोकोनट है और पुदीना है, हल्का पुदीना का टेस्ट आ रहा है. और सांभर ट्राई किया तुमने? मैंने ट्राई नहीं किया. एक सबसे सही बात है, सांभर में जो खट्टा बन जाइए वो है जरूर है. वो जरूरी मतलब ऐसा नहीं है कि डिसेंट है, ऐसा बोल नहीं सकते एकदम जैसे साउथ वाला तो होता है, बट बेस्ट है बोल सकते हो. चंद्रपुर में
तुम जरूर ट्राई कर सकते हो। मतलब मेरे को चटनी पसंद है, तुमको? मतलब हाँ, चटनी तो अच्छी है ही, पर ओवरऑल भी बट बेस्ट सबसे क्या लगा, चटनी या सांभर? चटनी है ना, बोल रहा हूँ ना, मिंट भी लग रहा है मेरे को, हल्का हल्का मिंट भी लग रहा है, और ये बोलते हैं पदीना तो है, कोकोनट तो भर के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो क्रिस्प है क्या? हाँ एकदम क्रिस्प है, ये तो है, नरम है, कोई लोड नहीं है इसमें। चलिए जी, मेन कार्यक्रम करते हैं, जिससे मेरे को सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है वो है रवा डोसा, क्योंकि मैं डोसा को इतना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट भाई बोल रहा हूँ यार 6 महीने हो गए डोसा नहीं खाया। और अपने पुणे में ना शिवाजी नगर बहुत सारे जगह है जहाँ पे लोनी डोसा एक नंबर मिलता है, मतलब 35 रुपये में। हाँ 35-30 रुपये में फाड़ू डोसा मिलता है, और लोनी इतना डालता है भाई, मतलब मैंने सोचा नहीं यार, मतलब कंजूसी बिल्कुल नहीं होती है, और एक टाइम खाओ पेट भी भर जाता है सबसे पहले। अभी देखते हैं यहाँ का कैसा डोसा है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। रवा ट्राई कर रहे हैं, मसाला डोसा ट्राई कर रहे हैं। साइज देखो यार, साइज कितनी बड़ी दी है, इतनी रहती मेरे हिसाब से कभी कभी। हाँ इतनी रहती है, और हाथ लगा से क्रिस्प क्रिस्प है, मस्त अच्छा है, और सबसे अच्छी बात ये तो फाड़ना बराबर ये मतलब प्यार है। इधर भी दिया है आई थिंक सो, देखते बरा। हाँ है, दिया है दिया है, कंजूसी नहीं है, कंजूसी नहीं है। देखो मसाला एकदम भर भर के, चटनी भी एकदम भर भर के, सांभर भी एकदम भर भर के, लेट्स ट्राई। ये क्रिस्पी है यार, ट्राई करते हैं अपन वो भी। रुको मैं काम करता हूँ, ट्राई करो। ये खा रहा हूँ मसाला डोसा तो है ही अच्छा, पर भाई बोल रहा है ये बहुत अच्छा है, तो ये भी जरूर ट्राई करते हैं। चुम्मेश्वरी मतलब इडली को भी बीट करेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ यार, मतलब बहुत मिस कर रहा था, और 6 महीने बाद किसी को कुछ मिल जाए फिर तो बात ही बन जाए यार भाई। क्रिस्प है ना? क्रिस्प है, टेस्ट भी एकदम सॉर्टेड टेस्ट है, मतलब कुछ कमी निकाल सकते ही नहीं, मतलब सही में मेरे को दिल से अच्छा लगा। शायद चंद्रपुर में बहुत कम जगह है साउथ इंडियन फूड अच्छा मिलता हो, वो तो है, और ऐसा फूड मिलना डोसा मिल जाता है यार बहुत जगह, ऐसा मसाला डोसा मिल जाता है, बट रवा डोसा मीन्स ऐसा जो ये ऐसे जाली जाली आती है ना, वो जरूर आना चाहिए, क्योंकि उसकी वही शान होती है। हाँ वो तो है, और क्रिस्प नहीं बना तो फिर बात फिर बिगड़ जाती है यार, मजा नहीं आता। ओवरऑल क्या बोलते हो, कितनी रेटिंग? ओवरऑल 5 में से मैं रेटिंग दूँ तो 4 तो बनती है भाई इसकी, मैं तो इसको 4.5 दूंगा। आईआईटी की आन मान शान, खाने के चटोरे और घूमने के दीवाने ऋषभ भाई, बताओ कैसा है आपका रिव्यू? क्या बात है, किसका बताओ? सांभर वाला तो सांभर वाला खाया था, वो बढ़िया था काफी। और रवा डोसा? रवा डोसा तो एक नंबर आपका फेवरेट है ना, और आप क्या बोलोगे 10 में से कितने की रेटिंग? 10 में से लेने क्या रखे तो 10 में से 9, 9.5, 9.5। और सो आदे भाव आपका बताओ रिव्यू कैसा है? रवा डोसा अच्छा था, बहुत प्यारा, 10 out of 9। और ये जो मसाला डोसा था वो 10 out of 8। और इडली 7-6। और उसके पास जो वड़ा था, वड़ा इज लाइक 9.5। क्रिस्प था ना? क्रिस्प, बहुत क्रिस्प, बहुत क्रिस्प एकदम। सबसे बेस्ट ये वाला बताओ यार, ये बहुत लोगों ने, बहुत लोग सच्चे में, मैं तो बोल रहा हूँ अगर चंद्रपुर में हो तो एक बार रवा डोसा जरूर ट्राई करो तनिष्क का। हाँ, अपनी एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठ, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, सोचा नहीं था, बहुत ऊपर। स्वाद वाले ने रिजेक्ट कर दिया पर तनिष्क वाले ने साथ दिया। सही में, सही में। बताओ लिटरली रवा डोसा स्वाद का बहुत अच्छा था, अच्छा रहता है, पर स्वाद वाले को मना किया था, फिर हम यहाँ पे आए थे तो हमको पता नहीं था कि रवा डोसा आखिर में कैसा होगा करके, हम बस ऐसे अंदाजी ऐसे टोला मार रहे थे, पता नहीं क्या होगा, पर जब अभी खाया है ना भाई, क्या डोसा है, जबरदस्त है। एक ना, जैसे आधे भाई ने कहा ना, एक ना एक बार बंदे को आना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। तो बारिश आने के बाद भी अभी ठंडी कब चालू होगी पता नहीं, तो यार ये तो पीते हैं। और पता है तुमको ऑफ ड्राइविंग करनी होगी चंद्रपुर में, तो चंद्रपुर में आओ, तुमको ऑफ ड्राइविंग करनी होगी तुमको इच्छा होगी ऑफ ड्राइविंग करने की, तो चंद्रपुर में आओ। चलो अभी लास्टली ड्रिंक पीते हैं। पानी पानी है बहुत,
चलो बिल निकालो। सही में बताओ पानी पानी है ना? नहीं मत ट्राई करो यार, मत ट्राई करो। मैं मेरे तरफ से बोलूंगा इसको यार 10 में से 6.5 10 में से 4 चार, ये इनका दो और गया वाला है फिर। मतलब डायरेक्ट कोको पाउडर डाला है क्या सिर्फ? मतलब ना चॉकलेट मुझे अच्छा लगता है इसे। नहीं यार बट मोटा पैकेट लो, दूध डालो पी लो। बट मैं आपको बोलूंगा ना रवा डोसा पहले नंबर पे ट्राई करो, दूसरे नंबर पे जो अपना मसाला डोसा था वो, और तीसरे नंबर पे वड़ा सांभर। इडली नहीं की तो भी चलेगा, बट ये आप एज अ कॉम्प्लीमेंट्री पी सकते हो इच्छा होगी तो। बट ओवरऑल अपना साउथ इंडियन का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था एकदम। फाड़ू फाड़ू फाड़ू। सुनो हेटर्स गोना हेट, हेटर्स गोना हेट, पर जिंदगी ऐसी करो सेट कि उनका निकल जाए स्वेट। सो गाइज फाइनली वीडियो एंड करने का समय आ गया। आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया मतलब आपको वीडियो तो ज़रूर पसंद आया होगा। आपके जो प्यारे विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जाते वक्त वो लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है वो ज़रूर हिट करना। क्या बोलते कल्पक भाई? जिंदगी में तुमको कुछ फाड़ू करना है तो लाल कलर का बटन दबा दिए, समझे? नहीं समझे तो दबा दीजिए, नहीं समझो तो भी दबा दो। अरे समझो या ना समझो दब जाना चाहिए भैया, क्योंकि अगले वीडियोस बहुत ही प्यारे और एकदम चुम्मेश्वरी स्टाइल वाले हैं।